हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आजकल बॉलीवुड और हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनाई जाती हैं जो कि सच्ची घटनाओं से रिलेट करती है। ऐसी ही एक मूवी साल 2013 में बनाई गई थी जिसका नाम द कंज्यूरिंग था। इस मूवी में एक डॉल को दिखाया गया था जिसका नाम एनाबेला डॉल था और ये मूवी में कुछ इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन रियल लाइफ में ये डॉल ऐसी है। मूवी को ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड बनाने के लिए इस मूवी के डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिजाइन करवाया था। आज हम आपको इस वीडियो में इस डॉल से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत सन 1970 में होती है। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसे उसकी माँ उसके जन्मदिन पर एक एंटिक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी डोना को वो डॉल बहुत पसंद आई। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो अपनी एक दोस्त एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की माँ ने जो उसे डॉल गिफ्ट में दी थी, डोना उसे अपने बेड के एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों बाद डोना और एनजी को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि ये डॉल अपने आप अपनी जगह से मूव करती है। शुरू में तो ये मूवमेंट बहुत ही मामूली होता है, जैसे कि इसका अपनी ही जगह पर घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात ये हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि डॉल कभी तो दूसरे कमरे में, कभी सोफे पर और कभी सीढ़ियों पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद भी डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल लाने के एक महीने बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। एक शाम जब डोना और एनजी कॉलेज से घर आए तो उन्होंने घर पर कई पेपर्स के टुकड़े बिखरे हुए देखे, जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, हेल्प मी हेल्प मी, और राइटिंग किसी छोटे बच्चे के जैसी थी। डॉल की पोजीशन बदलना अब उनके लिए बिल्कुल आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पे आए तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पाया जहां उसे वो छोड़ कर गई थी, पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को बहुत ही ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल की छाती और पीठ पर कुछ खून की बूंदें लगी हुई हैं। इस ब्लड वाली घटना के बाद डोना और एनजी बुरी तरह डर गई। उन्हें लगा कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को मदद के लिए बुलाते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर उस डॉल में मौजूद आत्मा से बात करके ये पता लगाता है कि उसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला है, जो कि बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज ये अपार्टमेंट बना हुआ है, और वो बताती है कि उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। एनाबेला उस इन्वेस्टिगेटर की मदद से यह कहती है कि उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता है और वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना और एनजी एनाबेला की कहानी सुन बहुत ही दुखी होते हैं और वो एनाबेला को अपने साथ रहने की परमिशन दे देती है। डोना और एनजी का एक दोस्त था जिसका नाम लू था और वो भी उन दोनों के साथ उसी अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में रहता था। लू उस डॉल को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है और तुम्हें इसे बाहर फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात उस डॉल ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। डोना को लगा कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन उस दिन दोपहर को एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और एनजी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे से चीखें सुनाई देती है, जबकि डोना उस समय घर पर होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे के पास पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें उस डॉल के अलावा और कोई नजर नहीं आता और डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबरा कर लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को शक हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्चे की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है और ये डॉल श्रापित है। अब डोना मदद के लिए एक फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को ये सब श्रापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड और लॉरेन को बुलाते हैं, जैसा कि कंजूरिंग मूवी में दिखाया गया था। एडवर्ड और लॉरेन तीनों फ्रेंड्स से बात करके
और एक सप्ताह तक उस डॉल की स्टडी करने के बाद ये पता लगाते हैं कि उस डॉल में किसी बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो कि डोना या उसके दोस्तों में से किसी के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है और अंत में अपने ऊपर ब्लड लगा लेती है। और तो और जब वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को आत्मा से बात करने के लिए बुलाते हैं तो वह उसे भी झूठ बोलती है कि वो एक छोटी बच्ची की आत्मा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कहकर वो उस घर में रुक जाती है। इन बातों को जानने के बाद डोना उस डॉल को एडवर्ड और लॉरेन को सौंप देती है। उस घर को और उन तीनों फ्रेंड्स को उस डॉल से बचाने के लिए एड और लॉरेन उस श्रापित डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब वह उस डॉल को कार में ले जा रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि इस शैतानी डॉल की ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वो कार को चला रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक बार बार काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस डॉल पर होली वाटर छिड़क देते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वो दोनों सकुशल अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वे उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। वो जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते, लेकिन जब वो वापस आते तो उन्हें वो डॉल सीढ़ियों पे और कभी दूसरे कमरे में मिलती। एक बार एक फादर जेसन ब्रेडफेड उस डॉल को देखने के लिए एड और लॉरेन की ऑफिस आते हैं और वो एनाबेला को हाथ में उठाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है और ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन वापस जाते हुए फादर का एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच जाते हैं। इस घटना के होने के बाद एड और लॉरेन को ये लगता है कि इस डॉल को अपने साथ रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो एक स्पेशल वुडन केस बनवाते हैं और उस डॉल को उस बॉक्स में रखकर एक म्यूजियम में रख देते हैं। उस स्पेशल बॉक्स में रखने के बाद उस डॉल में फिर कभी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता। हालांकि एड और लॉरेन इसके बाद भी उस डॉल को एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उस डॉल की कहानी उसे सुनाई तो वो उस शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूंगा। एड और लॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाद में उन्हें पता चलता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह घायल हो जाती है। एड और लॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो लड़की कहती है कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो अपनी बाइक का कंट्रोल खो देते हैं और एक पेड़ से टकरा जाते हैं। आज भी एनाबेला उसी ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेला डॉल से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Much appreciate your time. Thank you.